इंटरेस्ट रेट रिस्क। करेंसी में तो समझ में आता है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बोरिंग पावर कम हो जाएगी। तो दो पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, या तो हम बोरोवर हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोरोवर ही होते हैं, या फिर हम डिपॉजिटर हैं, या फिर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। सही है। अच्छा, जो नॉर्मल लोन लिया जाता है वो किस रेट के ऊपर लिया जाता है? फिक्स रेट के ऊपर या वेरिएबल रेट के ऊपर? फिक्स रेट फिक्स रेट के ऊपर लिया जाता है। तो बोरोवर ने अगर फिक्स रेट बोरोइंग की हुई है तो रिस्क क्या है? रिस्क है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। डिक्रीज होना। डिक्रीज होना, ठीक है। और अगर बोरोवर ने फ्लोटिंग रेट पे बोरोइंग की हुई है, अब रिस्क क्या है? डिक्रीज होना। इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना। सिमिलरली अगर डिपॉजिटर ने फिक्स रेट के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है, अब रिस्क क्या है? डिपॉजिटर को क्या रिस्क होगा अगर उसने फिक्स रेट के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है? इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको तो फिक्स अमाउंट मिलेगा ना। हेलो, जी सर। इंटरनेट थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था, एक सेकेंड जस्ट होल्ड। चलें, टू बी कंटिन्यू। शेयर हो रही है स्क्रीन? हेलो, हेलो, जी सर। ये जस्ट एक मिनट रुको, मैं जस्ट इंटरनेट चेंज करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। शेयर हो रही है? जी अच्छा जी, तो ये सर। अब इंटरेस्ट रेट हम बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि अगर एक बोरोवर ने लोन लिया हुआ है और उसने फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन लिया हुआ है, तो इसको मैनेज करने के लिए उसका रिस्क क्या होगा? क्या रिस्क होगा? इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। सही। अब वो या तो इसको इग्नोर कर दे और वेट करे कि एक्चुअल पोजीशन क्या बनती है, या फिर वो ये कर सकता है कि वो उसको हेज कर। अगर वो हेज करने जाता है तो जिस तरह करेंसी में हेजिंग के मेथड इस्तेमाल होते हैं, इस तरह इंटरेस्ट रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, हेजिंग में क्यों कर रहा हूँ? हेजिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो मुझे जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एक परसेंट पर्टिकुलर रेट में और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाए और हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। तो इसके अंदर हमारे पास हेजिंग में कुछ इंटरनल मेथड्स हैं जैसा करेंसी में थे, और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल मेथड्स हैं जो हम करेंसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इंटरेस्ट रेट के अंदर भी इंटरनल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं और एक्सटर्नल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरनल मेथड्स में हमारे पास एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड मैचिंग।
और एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड स्मूथिंग. इसी तरह एक्सटर्नल में हमारे पास एक मेथड है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. पेपर में जो कैलकुलेशन आती है वो सिर्फ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की आती है और वो भी बहुत रेयर केसेस के अंदर आती है. और बाकी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ना, इसकी डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं. ऑल्दो कैपलान की बुक के अंदर इनकी डिस्कशन हुई भी है लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है जो फर्दर मैंने लिखे हैं. हमारे सिलेबस में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सिर्फ किसका है, इसका. और थ्योरी में आप एक इंटरनल मेथड ये कर लें और एक इंटरनल मेथड ये कर लें. आइडिया मैं दे दूंगा कि इंटरेस्ट रेट गारंटी वगैरह क्या होता है, लेकिन जरूरत नहीं है, अगर उसको ना किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है विच इज कॉल्ड स्वैप. ऑब्वियसली ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि स्वैप्स क्या होते हैं, कैप्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट गारंटी क्या होती है. तो हम चलते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की जो कैलकुलेशन आ सकती है पॉसिबल वो कर लेते. अच्छा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट स्वैप में इसके लिए क्या था जी? स्वैप के क्वेश्चन से ना थ्योरी के इसमें देखा था, कैपलान किट में देखा था. तो आ सकते हैं थ्योरी में एमसीक्यूज के लिए 15 मार्क्स में ओटीक्यू. थ्योरी में डिस्कशन हो सकती है लेकिन F9 के सिलेबस में एक्सक्लूसिवली स्वैप है नहीं. और बार बार किट के अंदर अगर कोई सवाल आया हुआ होता है तो किट के अंदर तो हर सवाल पास पेपर का नहीं होता ना. तो आप उसके लिए जो सिलेबस गाइडलाइंस हैं उन सिलेबस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर चेक करेंगे तो वहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि स्वैप टेस्ट होगा या नहीं होगा. तो आज तक तो कभी नहीं है, एमसीक्यूज में आ जाए तो नेवर. तो मैं टर्म्स क्लियर कर लूंगा कि होता क्या. सबसे पहले हम चलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के ऊपर. ये क्या है? इट्स लाइक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट. नॉर्मली ये किसके साथ किया जाता है? बैंक के साथ किया जाता है. उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को लॉक करना. बोथ एडवर्स एंड फेवरेबल मूवमेंट. अब फॉर एग्जाम्पल लुक, आज है फॉर एग्जाम्पल, आज डेट है 1st December 2018, ठीक है, और हमें लोन लेना है 1st January 2018 से और कब तक? 31st March 2018 तक हमें लोन लेना है. 2 million USD का लोन लेना, ठीक है. व्हाट इज द रिस्क? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क, ठीक है. इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, मैं वेरिएबल पे डिस्कशन कर रहा हूँ. इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, ठीक है. तो हमने क्या किया, लोन का पीरियड हमारा कब से शुरू होगा? हमने 1st January का इंतजार नहीं किया क्योंकि 1st January तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा जिस बैंक से हम लोन लेंगे. हम गए एक बैंक के पास और उससे हमने आज एक FRA परचेज कर लिया. FRA परचेज किया तो FRA के अंदर बैंक ने हमें इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई किया कि जी इंटरेस्ट रेट हम आपको 7% देंगे. लॉक कर लिया 7% इंटरेस्ट रेट, ठीक है. और ये FRA जो होगा इसकी ड्यूरेशन बनेगी ये इसकी ड्यूरेशन बनेगी FRA की 1 to 4. अब ये 1 to 4 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट
will start in 1 month's time. कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होगा और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना है? चार तीन महीने. ये जो बीच वाला पीरियड है ना, ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ बोरिंग. तो 1 to 4 का डिफरेंस कितना है? तीन. तीन महीने. तो ड्यूरेशन ऑफ बोरिंग कितना हुआ? 3 महीने. फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या होगा? 2 to 6 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा इन 2 months टाइम में और मैच्योरिटी कितनी है? 4. 4 महीने की मैच्योरिटी है. तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा 2 months टाइम में और उसकी टोटल ड्यूरेशन आज से अगर काउंट करेंगे तो 6 महीने बनती है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखा जाए तो वो 4 महीने का. ठीक है जी सर. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर एग्जाम्पल ऊपर अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके चले तो कितना लोन हमें लेना है? 2 मिलियन का, और रेट हमने क्या स्पेसिफाई किया है? 7%. अच्छा, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट हो गए, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चले गए जो हमारा लोन लिया था हमने उसके ऊपर, ए 10% हो गए और बी जो है 5% हो गए. तो अब क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो गए तो क्या होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो गए तो क्या होगा? तो हमने बैंक से क्या कमिटमेंट किया है एफआरए के अंदर कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए तो हम कितना पे करेंगे? हम सिर्फ 7% ही पे करेंगे, हम ज्यादा नहीं पे करेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जिस बैंक से हमने लोन लिया होगा उसको हम कितना इंटरेस्ट देंगे? ओरिजिनल हमारी बोरिंग होगी 10%. कितना बनेगा? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12 निकालें कितना बनता है? 0.05 मिलियन, यानी कि 500,000. सही है. और एफआरए कितना था? 7% था ना. तो एक्सिस आपको बैंक कंपनसेट करेगा, कितना कंपनसेट करेगा बैंक आपको? 3% निकाले. जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव यानी कि 1,50,000 माइनस कर दें. तो 2 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट इफेक्टिवली क्या बन रहा है? 35,000 बनता है, 3,50,000 बनता है. आई थिंक इस 50,000 है ना, 50,000 है. तो ये 35,000 बनेगा. ये अफेक्टिव रेट कितना हुआ? दिस इज एन अफेक्टिव रेट ऑफ 7%. सही है. अच्छा, इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो हमारा इंटरेस्ट रेट हो गए 5%. अब पोजीशन क्या होगी? हम अपने जो बोरोवर जहां से हमने बोरो किया है उस बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 3/12 ये निकालें.
और एफआरए वाले बैंक को क्या पे करेंगे? डिफरेंस 2% का, 2% का डिफरेंस, ये क्या होगा? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? विच इज अफेक्टिवली 7%. इसका मतलब ये हुआ कि एफ आर ए करने का फायदा क्या है, कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, हम हमेशा क्या पे करेंगे? हम हमेशा एक फिक्स रेट पे करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी पीएलसी नीड्स टू बोरो 30 million pounds इन फॉर 8 months. तो इसका मतलब क्या था? 3v7 जी, इसमें एफआर में है ना 3v7 कुछ आता है ना सर? ये भी 2 to 5 बताया तो है, ये जो लिखा था इसका क्या मतलब था? वही है, सेम मतलब, वो वी नहीं है, वो डिफरेंस बताया हुआ है. 3 to 7 का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की टोटल ड्यूरेशन 4 महीने है, तीसरे महीने में स्टार्ट होगा, 7 मंथ में खत्म हो जाएगा. सही है. अच्छा, 3 to 11 एफ आर ए इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 2.75 2.60. हायर रेट हमेशा बोरिंग रेट होगा. अगर दो रेट दिए हुए होंगे तो हायर रेट बोरिंग रेट होगा और 2.60 डिपॉजिट का एफ आर ए है, तो ये हमारे लिए जो रेलेवेंट रेट होगा वो ये रेलेवेंट रेट होगा बोरोवर के लिए. अच्छा जी, इफ इंटरेस्ट रेट्स मूव टू 4%, इंटरेस्ट रेट 4% पे चले गए, तो अपने ओरिजिनल बैंक को कितना इंटरेस्ट देंगे? फोर परसेंट 2.75 तो एफआरए के ऊपर है. ये लोन कितने महीने का है? 9 8 महीने का. 9 कैसे हुए? 3 to 11 का डिफरेंस होता है 8 months. 8 और इंटरेस्ट रेट कितना है? 4% हो गया. कितना? 0.8 कितना होता है? 80,000. अब बैंक हमें देगा, हम बैंक को देंगे 800,000 जी. एट मिलियन बनेगा, 3 0 अगर मैं हटा दू ना तो आई थिंक इट्स 8 million बनेगा. तो मैं 3 0 हाँ, तो मैं 3 0 हटा देता हूँ ना 30 million. तो 30 million का मतलब है, पुट इन दिस वे आसान कर लेते हैं, 30,000 होता है अगर हम 3 0 हटाते हैं. हाँ, तो हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर लेते ना. हाँ, तो 800 आ रहा है. ठीक है, सही है. 4%. So this is 30,000 into 8 divided by 12 multiply by 0.04. 800 आ रहा है. जी सर. और बैंक हमें कितना कंपनसेट करेगा? 2.75 और 4 का डिफरेंस कितना होता है?
250 होता है. एक सेकंड चेक कर लेते हैं. 4 माइनस 2.75 1.25 मल्टीप्लाई बाय 30,000 37,500 इनटू 8 डिवाइडेड बाय 12 25,000 250 माइनस कर दें 550 इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट. और ये इफेक्टिव की परसेंटेज क्या बनेगी? इफेक्टिव ही परसेंटेज बनेगी एफआरए वाली 2.75. बस इतनी सी कैलकुलेशन आती है एफआरए से रिलेटेड. अब एफआरए का ड्रॉबैक क्या है? अगर